हेलो गाइस, मेरा नाम है मेघराज चौधरी। स्वागत है आप सभी का जेएम टेक्निकल चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एमएस वर्ड में जो भी अपन डिज़ाइन वगैरह, टाइपिंग वगैरह, कोई भी फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अपने को एमएस वर्ड ओपन करने के लिए सिंपली आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट सिंपली सर्च कर देना है, तो आपके सबसे पहले ऑप्शन में आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, और भी इससे कोई अपडेटेड वर्जन है वो भी इस लाइन में आ जाता है। तो सिंपली अभी आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा है 2007 ही एमएस वर्ड चलता है, और आप ऑफिस वगैरह में कोई वर्क करते हो तो वहाँ अपडेटेड भी चलता है। जितना अपडेट होता है उसमें फीचर है वो नए नए जुड़ते रहते हैं। दोस्तों, आप ये बेसिक मॉडल एक बार समझ लोगे तो आपको पूरा भी समझ में आ जाएगा कि अपडेटेड वर्जन 2010 हो या 13 हो, कोई भी हो, उसमें सब में सेम जो फीचर होते हैं होते हैं। एक बार आपको बेसिक जो जितना भी नॉलेज होता है वो आपको मिल जाता है, तो आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आगे आने वाली नहीं है, कि जितना भी अपडेटेड होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये फीचर इस काम में आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले अपने एमएस वर्ड में इतना टाइपिंग है ये कर लिया है। अब इस टाइपिंग में अपने को डिज़ाइन या फॉन्ट चेंज, फॉन्ट कैपिटल स्मॉल जो भी होता है, अपने को इस एमएस वर्ड में सभी करना होता है। और वो कैसे करना है ये दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको होम बटन में जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट वाला, ये तो आपको पता ही होगा। जहाँ से कहीं भी कॉपी किया हुआ है डाटा, वो आपको पेस्ट करने के लिए आपको पेस्ट पे सिंपली क्लिक करना है। शॉर्टकट की इसका कंट्रोल वी है। दोस्तों, आपको कोई भी फीचर का शॉर्टकट की जानने के लिए आपको सिंपली कोई भी ऑप्शन में जाके वहाँ पे क्लिक करके थोड़ा भी इसको होल्ड कर देना है, तो आपको नीचे यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि इसका पेस्ट करने का शॉर्टकट की कौन सा है। इसका जैसे कंट्रोल वी है, अब फॉर्मेट पेंटर पे रखूँगा तो इसमें आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी है। ठीक है, ये आपको समझ में यहाँ पर आ गया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑप्शन देखना है, जैसे कोई भी आपको फॉन्ट है वो बोल्ड करना है तो आपको बी पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे जैसे की क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो बोल्ड हो जाता है, शॉर्टकट की इसका है कंट्रोल भी। ठीक है, अभी आपको ये पूरे फॉन्ट है इसका जो फॉन्ट है स्टाइल चेंज करना है, तो दोस्तों आपको फॉन्ट पे सिंपली क्लिक करना है। आपके लिस्ट में जितने भी आपके लैपटॉप कंप्यूटर में आपके फॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ वो लिस्ट पूरी आ जाती है, जो भी आपको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वही आपको यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी अपने पास ये जो आई जो इटैलिक जो भी अपने वर्ड है, जो इटैलिक करने के लिए आपको कंट्रोल आई पे क्लिक करोगे तो भी डायरेक्ट इटैलिक हो जाएगा, नहीं तो आपको शिफ्ट इस पर क्लिक करोगे तो भी इटैलिक हो जाता है। ये तो हो गया इटैलिक का। अभी है अंडरलाइन, छोटे से आपको कोई भी वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है तो आपको सिंपली यू पे प्रेस करना है, फिर ये अंडरलाइन हो जाता है। और दोस्तों, अभी अपने बात है कोई भी वर्ड ये गलत है और इसमें टाइपिंग हो गया है बाय मिस्टेक, तो आपको कैंसिल करने के लिए इसको यहाँ पे ये कैंसिल बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब X2 और X2 ये दो है, ये क्या वर्ड काम आते हैं ये सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया, ये ज़्यादातर मैथ में यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने A लिख दिया और ये 2 लिख दिया, ये 2 है ये जो सबकास्ट होता है ना, ये क्या बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, ये जैसे कि अपने को इक्वल टू A2 Y2 जैसे मैथ में ज़्यादातर काम आता है, जो A2 है इसको छोटा करके ऊपर लेना है तो आपको X ये ऊपर वाला क्लिक करना है, और इसको साइज में नीचे लेना है तो इसको आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है, तो ऊपर नीचे छोटा होके हो जाता है। ये अपने ज़्यादातर आपने मैथ में ऐसा देखा होगा, तो ये ज़्यादातर मैथ में यूज होता है, सिंपली बेसिक में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब अपने को ये पूरे फॉन्ट है, गलती से मान लो आपने ये कैप स्मॉल में आपने पूरा टाइपिंग कर दिया, अब इसको कटिंग करके कैप्स लॉक करने के लिए आपको दोबारा टाइपिंग तो करना नहीं है, आपको सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है, चेंज केस आइकॉन पे इस पर क्लिक करना, जहाँ पे ए और ए छोटा ए बड़ा यहाँ पे जो आइकॉन दिया हुआ है इस पर आपको सिंपली क्लिक करके यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सब ऑप्शन दिए हुए हैं,
कैपिटल है तो आप इसको लोअर भी कर सकते हैं, और पूरा कैपिटल करना है तो आप कैपिटल भी कर सकते हैं, या फिर एक वर्ड, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल और दूसरा सब स्मॉल, ऐसा करना है तो आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है। और आपको ये तो ज़्यादातर काम नहीं आता, जो पहला वर्ड होता है वो स्मॉल रखना है और दूसरे हैं वो कैपिटल रखने हैं, तो भी आप इसमें कर सकते हैं। जितने भी आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, या फिर सेंटेंस के हिसाब से कैसे बदलना है। जैसे ही कोई अपने फुल स्टॉप के बाद में जो वर्ड जाता है वही कैपिटल हो तो इसमें आपको सेंटेंस के इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये पूरा समझ में आ गया है। अब आपको इस फॉन्ट की है, आपको बढ़ानी है इसकी साइज, तो आपको सिंपली डायरेक्ट डबल इस ए पे और छोटे ए पे यहाँ पे क्लिक करके भी बढ़ा सकते हैं, या फिर इस पे क्लिक करके जितना आपको बढ़ाना है वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे अपने कोई भी अपने यहाँ पे साइज बढ़ा दी, बाय डिफॉल्ट जो इसकी एमएस वर्ड की रहती है तो इस पे आप क्लिक करोगे तो वही साइज यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और जिसका इसका जो फॉन्ट वगैरह है वो भी इसका बाय डिफॉल्ट होता है ना, वही दोबारा चेंज हुई, ये बाय डिफॉल्ट रीसेट का सेंड ऑप्शन है। क्लियर फॉर्मेटिंग, कोई भी फॉर्मेट होता है वो टोटल इस पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अब है ये कलर का ऑप्शन, जैसे इतना सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे कलर करना है, जैसे कोई अपने को भी चीज़ हाईलाइट करनी है, ये हाईलाइट के लिए आपको यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जो भी आपको इसमें कलर डालना है तो इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आप करके यहाँ पे अपना कलर है वो डाल सकते हैं। ज़्यादातर हाईलाइट में जो येलो कलर है वही चलता है। ठीक है, अब अपने को फॉन्ट में कलर चेंज करना है, इतने जैसे ये फॉन्ट है इसको कलर चेंज करना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। आपको कलर को डिफरेंट चेंज करना है तो आपको यहाँ पे कोई भी कलर पिकअप कर लेना है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और इसको बोल्ड करना है तो वो मैंने आपको समझा दिया, ये ओनली फॉर बी पे आपको क्लिक करना है, ये तो बोल्ड हो जाता है। और दोस्तों आपने बहुत सारा इतना लिख दिया, एक एक वर्ड आपको ये जो फॉर्मेटिंग है ये आपको जैसे अपने वो हर एक वर्ड पे करनी है, हर लाइन में दो तीन वर्ड पे करनी है, आपको डायरेक्ट ऐसे एक सेलेक्ट करोगे, यहाँ कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, इसमें तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि मैं मानता हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट है, इसका अपने कलर ब्लू कर दिया है और उसको बोल्ड कर दिया है, इसको अपने को दूसरे ऐसे फॉन्ट पे भी ले जाने के लिए आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, ये ऐसी जगह काम आएगा। इस पे आपने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे वो डायरेक्टली कॉपी हो गया है जो इसका आपने फॉर्मेट इसके ऊपर लगाया है। जैसे इस माइक्रोसॉफ्ट पे भी करना है तो इतना सेलेक्ट किया हो गया, और उसके बाद एंड पे करना है तो ये इसको आपको दबा के रखना है। ठीक है, बट इस हिसाब से आपको कोई भी जितना फॉर्मेट लिया होता है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। अभी आपके पूरे इसमें फॉर्मेट डिसमिस हो गया है, आपको एक पूरा क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए आपको सिंपली इस आइकॉन पे क्लिक करना है, क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे क्लियर करोगे तो पूरा फॉर्मेट है वो क्लियर हो जाता है। आपको कलर भी चेंज करना है तो आपको नो कलर पे करोगे तो कलर भी पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये पूरा समझ में आ गया है। अब दोस्तों अपना कोई टाइटल है उसको अपने को बिल्कुल सेंटर में लेना है तो आपको डायरेक्ट कंट्रोल ई दबा के इसका शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की जानने के लिए आपको सिंपली जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक करके रखोगे तो आपको शॉर्टकट की है वो दिख जाएगा। आपने इस पर क्लिक किया तो ये सेंटर पे आ गया। और अब अपने को ये जो सेंटेंस है ये अपने को जो इसका जस्टिफाई होता है, कंट्रोल जे दबाओगे जो ये लाइन है जो साइड में लाइन आती है वो दोनों बराबर हो तो इसमें आपको कंट्रोल जे दबाओगे तो भी हो जाएगा, और या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसमें ये जो बाय पैराग्राफ है ये अपने हिसाब से यहाँ पे पूरा सेट हो जाएगा, क्योंकि जो लाइन है दोनों की साइज बराबर रहेगी, जहाँ फुल स्टॉप होता है वो लाइन वहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और अब इसमें आपको जैसे कोई आप पैराग्राफ या फिर बुक या फिर ब्रोचर कोई भी इसमें आप टाइपिंग कर रहे हो और इसमें आपको नंबरिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये सब इस लाइन में आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसमें है नंबर, या फिर आपको कोई आइकॉन वगैरह देना है, बुलेट लाइब्रेरी जिसका इस ऑप्शन का नाम है, यहाँ पे लेके आप अपना जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और नंबरिंग लेने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली पूरे नंबर मिल जाते हैं, नंबर आपको पूरा लाइन फुल स्टॉप जहाँ से ख़त्म होगा वहाँ से ऑटोमेटिक वो आपका ये नंबर है ये आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और आपको थोड़ा सेंटेंस है बदल बदल के लेना है, जैसे इस हिसाब से मैथमेटिक या कोई भी ऐप बुक में काम आता है, इसमें पूरा आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका पूरा जो चेंज है ये पूरा चेंज हो जाता है। अब अपनी रही बात, अब इसमें है ये जो लाइन है
तो इसमें आपको जैसे ये लाइन यहाँ है, आपको इस साइड थोड़ा और लेना है मार्जिन में, तो आपको इस साइड इसमें ले सकते हो, जितना पूरा इसका मार्जिन है उतना ले सकते हो, और इस साइड लेना है तो आप इस साइड भी ये ले सकते हैं, जितना आपका पूरा पैराग्राफ है पूरा जाएगा। आप इसमें स्पेस दे दे के करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बराबर सेट में आपका ये पूरा इस साइड में जाएगा। राइट या लेफ्ट आपको लेने के लिए सिंपली इसको आप यूज ऑप्शन को ले सकते हो, इनक्रेस इंडेंट का, ठीक है। और अब इसमें ये भी एक कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ जो भी कलर आपको लगाना है इसमें कलर लगा सकते हैं। और टेबल है, ये आपको कहीं भी टेबल क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप टेबल क्रिएट करके यहाँ पे लिख सकते हो, और डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे वो पूरा आप लिख नहीं सकते हो, जैसे कोई भी आप करोगे तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लगा के फिर आप लिख पाओगे, नहीं तो आपने सीधा टेबल बनाया और टेबल के अंदर आप कहीं भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। और ये है नॉर्मल फॉन्ट वगैरह के साइज़, इसमें आप जैसे क्लिक करोगे, जैसे सेलेक्ट कर दिया, इसमें क्लिक कर दिया तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके फॉन्ट होते हैं वो ऑटोमेटिक बदलते जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर इसमें काम नहीं। अब है सेंज स्टाइल, कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हो आपको इस जो ये फॉन्ट है इस पहले फॉन्ट की आपको जो डिज़ाइन है पूरी स्टाइल है वो चेंज करनी है, वो चेंज आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, कोई भी फॉन्ट वगैरह है। और अब आपको इसमें फाइंड या फिर रिप्लेस, आप इसको वर्ड इसमें कोई दिख नहीं रहा है या फिर वो वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको फाइंड करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ इसके बाद फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये आ गया, जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है वो टोटल इसमें फाइंड हो जाता है, ठीक है। मेन इम्पोर्टेंट इस होम बटन में जो ऑप्शन दिया हुआ है रिप्लेस का, बाय चांस अपने गलती से कोई भी एक वर्ड है वो वर्ड आपने गलत लिख दिया है, ठीक है, या फिर उतना ही वर्ड आपको कैपिटल स्मॉल करना है, इसमें कुछ फेर बदल करना है, जैसे कि वर्ड लिखा है और उसको लिखना था वर्ड्स, एक एक अपना इसको वर्ड को बदलेंगे तो बहुत टाइम लग जाए, इसको आपको रिप्लेस करने के लिए आपको सबसे पहले वर्ड पर क्लिक करना है, नहीं सॉरी सबसे पहले फाइंड वर्ड पर आपको वर्ड लिखना है, वर्ड लिखने पर रिप्लेस किस में करना है आपको, जैसे वर्ड्स में रिप्लेस करना है, एस लगाना है उसके पीछे, पहले अपने भूल से लगाया नहीं तो अपने लगवाने के लिए रिप्लेस ऑल पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे छह रिप्लेसमेंट वी आर मोड, जो सिक्स इसमें फॉन्ट थे वो रिप्लेस इसमें कर दिया गया है, टोटल इसमें जितने भी वर्ड लिखे हुए थे वो वर्ड्स हो गए हैं, ये रिप्लेस वाला ऑप्शन है यहाँ पे होम बटन पे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये होम बटन है, इसमें आपको पूरा बेसिक आपको नॉलेज इस वीडियो में पूरा मिल गया है। अब दोस्तों इंसर्ट का जो ऑप्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसका पार्ट टू में, और पार्ट टू में आपको इंसर्ट एंड पेज लेआउट का दोनों को मिलेगा, और पार्ट थ्री में रिफरेंस मेलिंग रिव्यू और व्यू, ये तीनों ऑप्शन एक वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी भी जो मैंने बताया है एमएस वर्ड में आपका जो भी डिज़ाइन वगैरह होता है, जो पहला पार्ट है ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। इस पार्ट में आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी आगे का पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के पार्ट में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद वंदे मातरम।